नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं बैटमैन गॉथम बाय गैसलेट का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एलन स्कॉट को रिंग ऑफ जॉन्ग मिल गई है और तब वो रिंग अचानक से जाग जाती है और वहां आए हुए सारे असैसिन्स को मार गिराती है। तो वही दूसरी तरफ हम लोइस को देखते हैं जो लेक्स लूथर क्या कर रहा है ये पता करने निकली है। यहाँ लेक्स लूथर विक्टर स्टोन को बुलाता है और उसे अपना प्रयोग दिखाता है जिसे देखकर विक्टर स्टोन चौंक जाता है। तो अब आ गई ऑलराइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो विक्टर स्टोन को अपना प्रयोग दिखाता है। तभी विक्टर देखता है कि लेक्स ने वहां पर एक आदमी को बंद करके रखा है जिसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही थी। ये देखकर विक्टर लेक्स से पूछता है ये अभी तक जीवित कैसे है और ये गिरता क्यों नहीं, ये तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को गलत साबित कर रहा है। जिस पर लेक्स विक्टर से कहता है ये ग्रेविटी नहीं बल्कि टाइम है मिस्टर स्टोन। आइजैक न्यूटन ने भले ही इस खोज की नींव डाली हो पर मैंने इसमें कई सारी डिटेल्स ढूंढ निकाले हैं। यह सुनते हुए विक्टर स्टोन लेक्स से पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या किया, जिस पर लेक्स कहता है यह तो बस स्टडी करने के लिए ऑब्जेक्ट है पर अगर तुम मेरे काम में जुड़ने वाले हो तो तुम्हें कुछ बातें जान लेनी होगी। और वो ये है कि मैं 3 डिकेड से अधिक इस पर खोज कर रहा हूं और फिर मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, और ऐसा करके मैंने कई सारे छुपे हुए लॉस ढूंढ निकाले हैं जो इस यूनिवर्स को चलाते हैं। ये बात तब की है जब मेरे सर पे बाल हुआ करते थे, मुझे अब भी वो दिन याद है। वो दिन था 18 सितंबर 1859। उसी दिन मेरी दुनिया बदल गई। मैं उस समय सूरज के केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करने में लगा था, लेकिन उसी समय कैरिंगटन इवेंट हुआ। एक सोलर फ्लेयर आके अर्थ पे गिर गई जिसके कारण सारे टेलीग्राफ वायर नष्ट हो गए। ये दरअसल में एक एंशिएंट ऑब्जेक्ट था जो हमारे सोलर ऑर्बिट से होते हुए अर्थ पर आया और ठीक 1 साल बाद वो अर्थ पर गिर गया। लोगों को लगता है कि उस जगह पर एक मीटियर गिर गया था पर असल में वो तो कुछ और ही था। वो चीज जब यहाँ आई तब उसमें एक रेलिक था जो दिखने में किसी लाइटनिंग की तरह था, पर जैसे ही वो रेलिक बाहर आ गया वैसे ही वो एक्टिवेट हो गया और उसके अंदर से तेज उजाला निकला। मैं उसके एकदम पास नहीं था फिर भी उसके कारण मेरे सर के बाल हमेशा के लिए जल गए। पर मेरे साथी की इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी, वो उस एनर्जी में ही फंस गया और हवा में उड़ने लगा, इसलिए मैंने उसे बक्से के अंदर बंद करवा दिया। यह वही है मेरा साथी जो पलक झपकते ही किसी फ्लैश की तरह यहीं पर जमा हुआ है। ये सुनते हुए विक्टर स्टोन लेक्स से कहता है ये तड़पने वाला आदमी आखिर है कौन, जिस पर लेक्स कहता है कि इस बदनसीब का नाम जेक गैरिक है। ये सुनते हुए विक्टर स्टोन कहता है हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए, जिस पर लेक्स लूथर कहता है कि तुम भला इसकी मदद क्यों करोगे, जिस पर विक्टर स्टोन लेक्स से कहता है मैंने तुम्हारे सारे इक्वेशंस और मीटर के बारे में पढ़ा है लेकिन ये किसी काम का नहीं अगर हम किसी की जान ना बचाए तो, जिस पर लेक्स कहता है तुम फिर से एक बात भूल रहे हो, वो कोई मीटर नहीं था बल्कि एक डिवाइस था, एक ऐसी चाबी जो बेशुमार ताकत दिला सकती है और मेरे गणित के अनुसार वो कैंसर में गिरी हुई है। इतने सालों बाद मेरे एजेंट्स उसके समीप आ गए और फिर मैं उसके जरिए पूरे मैनकाइंड के लिए प्रोमीथियन फायर लेकर आऊंगा, जिस पर विक्टर लेक्स से कहता है कि तुम ये सब कुछ इंसानों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहे हो, तुमने इस जेक गैरिक को अपना गुलाम बना के रखा है, मैं तुम्हारे इस गंदे काम में कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। यह कहते हुए विक्टर वहां से चला जाता है। तभी लेक्स विक्टर से कहता है मैंने तुम्हें एक मौका दिया था और तुम उसे ठुकरा कर जा रहे हो, आज तुम बहुत कुछ बन सकते थे। लेकिन तभी विक्टर लेक्स की बातें इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। यहाँ विक्टर बाहर आता है और अपने कार में बैठ जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी लेक्स बाहर आता है और मिस ग्रेव से कहता है ये विक्टर स्टोन मेरे बहुत काम का है। ये कहते लेक्स अपने जेब से डेटोनेटर निकालता है और उस डेटोनेटर के जरिए विक्टर की कार में ब्लास्ट कर देता है। या दूसरी तरफ हम गॉथम में ब्रूस वेन को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि मिसेस सिल्वरटन कभी सैन फ्रांसिस्को गई नहीं थी, यानी कि वो रिंग खो गई है। ये जानने के बाद वो तुरंत बैटमैन बनके उस ट्रेन के पीछे चला जाता है। या हम विक्टर स्टोन को देखते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में था और अब उसकी एक आंख फूट चुकी थी और एक हाथ और दोनों पैर कट चुके थे। तभी विक्टर को होश आता है और वो पूछने लगता है कि मैं कहां पे हूं, जिस पर उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है शांत हो जाओ मिस्टर स्टोन, तुम्हें बोलने का समय दिया था लेकिन अब तुम्हें सुनना होगा,
यह कहते ही वो आदमी बाहर आता है और तब विक्टर देखता है कि वो आवाज असल में लेक्स लूथर की थी। तभी लेक्स विक्टर से कहता है, कुछ हफ्ते पहले एक बड़ा धमाका हो गया जिसमें तुम ऑलमोस्ट मर चुके थे, लेकिन मेरे ही टेक्नोलॉजी के कारण तुम बच गए। यह सुनते ही विक्टर उठने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा करते ही उसे तेज दर्द होता है। तभी देखकर विक्टर लेक्स से कहता है, तुमने मुझे हॉस्पिटल में क्यों नहीं भेजा? जिस पर लेक्स कहता है, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तुम अब इतिहास में सबसे अहम बनने वाले हो। तुम अब इंसानों के इवोल्यूशन को बहुत आगे ले जाने वाले हो। एक ऐसा इवोल्यूशन जो इंसान और मशीन से मिलकर बना है। यह कहते ही लेक्स चतर हटाता है और तब विक्टर देखता है कि उसके दोनों पैर नहीं थे और ना ही एक हाथ, बल्कि उसकी जगह पर वायर्स लगे थे। ये देखकर विक्टर रोने लगता है और लेक्स से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर लेक्स कहता है, मैंने जैसा सोचा था वैसे हो गया। तुम अब लोगों के लिए मर चुके हो, इसलिए तुम मेरे लिए अब किसी रॉ मटेरियल से कम नहीं हो और मैं इसका अच्छा उपयोग करूंगा। मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हें बहुत दर्द होगा, पर उसके लिए मैं तुम्हें मॉर्फिन दे रहा हूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ ऑफर करना चाहता हूँ। ये सुनते ही विक्टर लेक्स से कहता है, तुम मॉन्स्टर हो। जिस पर लेक्स कहता है, ये हुई ना बात। ये कहते हैं लेक्स विक्टर को उसके नए हाथ दिखाता है। यासीन शिप होती है और हम इजिप्ट देखते हैं, जहाँ पर कॉन्स्टेंटिन जुआ खेल रहा था। तभी उसके पास एक बंदा आता है जिसके गले में एक एमुलेट है। तभी वो आदमी कॉन्स्टेंटिन से कहता है, मैं स्ट्रेंजर हूँ। तभी कॉन्स्टेंटिन उस स्ट्रेंजर के गले में देखता है और कहता है, ये तुमने जो पहना है वो अच्छा है, मेरे दोस्त के पास भी ऐसा ही कुछ है। जिस पर स्ट्रेंजर कहता है कि इसका ऑरा अभी भी तुम्हारी ओर खींच रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है, अच्छा तो मुझे इसके बारे में समझाओ। जिस पर स्ट्रेंजर कहता है, नहीं तुम्हें अनुमान नहीं है कि तुम किसके साथ खेल रहे हो। लेकिन तभी कॉन्स्टेंटिन उसे रोकता है और वहां से बाहर चला जाता है। तभी बाहर आने के बाद स्ट्रेंजर कॉन्स्टेंटिन से मिलता है। तभी कॉन्स्टेंटिन स्ट्रेंजर से कहता है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम हो कौन? क्या तुम रशिया की ओर से हो या फिर टर्क से या फिर फ्रेंच हो? जिस पर स्ट्रेंजर कहता है कि मैं एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी को ढूंढ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हें उसके बारे में पता है। लेकिन कॉन्स्टेंटिन बताने से मना करता है, इसलिए स्ट्रेंजर अपने पावर से कॉन्स्टेंटिन को हवा में लटकाता है और कहता है, बस हो गया। यह कहते हैं स्ट्रेंजर वहां से जाने लगता है और कहता है, तुम फैंटम के पीछे जा रहे हो कॉन्स्टेंटिन। जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है, वो फैंटम नहीं डीमन है। लेकिन तब तक वो फैंटम वहां से गायब हो चुका था। या हम बैटमैन को देखते हैं जो अपना प्लेन लेकर उसी ट्रेन के पास आता है और देखता है कि वो ट्रेन क्रैश हो चुकी थी। लेकिन तभी बैटमैन को ग्रीन लैंटर्न का बोर्ड नजर आता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम स्मॉलविल देखते हैं, जहाँ पर एलन स्कॉट वो रिंग पहनकर आ चुका था और वो वहाँ आके सबको बताने लगता है कि उसकी रिंग ने क्या कमाल किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लोइस लेन भी थी जो एलन स्कॉट की बातों को बकवास बताती है। ये सुनकर एलन लोइस से कहता है, ये झूठ नहीं है, रुको मैं अभी दिखाता हूँ। यह कहते ही एलन अपने रिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो रिंग काम नहीं करती है। तभी देखकर लोइस एलन से कहती है, ये अच्छा ड्रामा था, ये ड्रामा यहाँ के शरीफ को दिखाना। जिस पर एलन लोइस से कहता है, प्लीज उस शरीफ को मत बताना, सुना है कि वो बहुत ही फियरसम है। यह सुनते ही लोइस वहां से चली जाती है। तभी जिमी लोइस से कहता है कि ये शरीफ काफी दमदार है, इससे तो मिलना ही पड़ेगा। यह कहते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन तब हम देखते हैं कि छत पर से एक अनजान आदमी ये सब कुछ देख रहा था। तो वही रास्ते पर एक अनजान आदमी ये देख रहा था। तभी वहाँ एक टेलीग्राफ शॉप में एक आदमी शॉप वाले को मारने लगता है। लेकिन तभी उस गुंडे को एक आदमी रोकता है। ये आदमी वही है जो रास्ते पर खड़ा था। तभी वो गुंडा उस आदमी को धमकाने लगता है, लेकिन ये आदमी डरने वालों में से नहीं था। ये देखकर वो गुंडा अपनी गन निकालता है और उस आदमी को डराने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी अपनी एक ही वार से इस गुंडे की गन गिरा देता है। ये देखकर वो गुंडा समझ जाता है कि ये कौन है और तब वो गुंडा इस आदमी से कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो डेड शॉट हो। ये सुनते ही डेड शॉट उसे मारने जाता है। लेकिन तभी उन दोनों को भी जोरदार सिटी की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वे दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि वहां पर वही शरीफ आ चुका था, जो आते ही इन दोनों से पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? ये कहते हैं वो शरीफ उस गुंडे और डेड शॉट के बीच आके खड़ा हो जाता है। ये देखकर डेड शॉट उस शरीफ पर गोली चलाता है, लेकिन उससे भी उस शरीफ को कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर डेड शॉट फिर से एक बार उस शरीफ पर हमला करता है, लेकिन इस बार गोली शरीफ के बैच पर लगकर उस गुंडे के हाथ पर लग जाती है, जिसके कारण उस गुंडे के हाथ से चाकू गिर जाता है।
ये देखकर वो शेरिफ तुरंत अपना गॉगल निकालता है और अपने हिट विजन का इस्तेमाल करके डेडशॉट की गन फोड़ देता है। यहाँ जिमी और लोइस ये देख रहे थे और तब लोइस शेरिफ की इन हरकतों से इम्प्रेस्ड हो गई थी। यहाँ हम उस शेरिफ को देखते हैं जो डेडशॉट और गुंडों को अरेस्ट करके ले जाता है, लेकिन तभी हमें वही छत वाला आदमी दिखा देता है जो ये देख रहा था और तब वो अपने पास से 3 चाकू निकालता है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।